गुड मॉर्निंग डियर सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डियर सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत स्वयं की अवधारणा लेवल 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे शेषावस्था में शारीरिक विकास। शेषावस्था को माना गया है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है उसको शेषावस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत किस प्रकार से बालक का विकास होता है इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से सामान्य जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है शेषावस्था में शारीरिक विकास। शेषावस्था में शारीरिक विकास इस प्रक्रम के माध्यम से हम शेषावस्था में कौन कौन से शारीरिक विकास होते हैं उसके बारे में जानकारी हो पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत शेषावस्था का काल होता है वो क्या होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु कितना होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु शेषावस्था के अंतर्गत जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वो शेषावस्था के अंतर्गत मानी जाती है। इस समय में हम अपने माता पिता एवं अपने परिवार पर बालक एवं निर्भर होते हैं और इस समय वह बालक किसके ऊपर रहता है माता पिता व परिवार के सदस्यों पर परिवार के सदस्यों पर निर्भर होते हैं। शेषावस्था में जो बालक है वो परिवार के सदस्य माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है क्योंकि बाल शेषावस्था में वह आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में वो अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य पर निर्भर रहता है। उसका संपूर्ण व्यवहार मूल प्रत्यात्मक होता है। उसके शारीरिक विकास का निर्धारण वंशानुक्रम के अनुसार होता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का आना व्यक्ति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का पाया जाना वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे किसी के दादाजी लंबे होंगे तो उसके जो उसके दादाजी के पोते होंगे वो भी लंबे होंगे चाहे उनके माता पिता छोटे होंगे फिर भी वो पोता होगा वो क्या होगा लंबा होगा। इस प्रकार वंशानुक्रम विकास की भूमिका निभाता है। फिर है पर्यावरण तत्वों का तत्वों पर भी वह निर्भर रहता है। इस प्रकार शेषावस्था में शारीरिक विकास है वह निम्न लिखित प्रकार से होता है। सबसे पहले जो विकास होता है वो होता है बाहर एवं लंबाई। पहला क्या है बाहर एवं लंबाई शेषावस्था में विभिन्न प्रकार से इस प्रकार से इसको कहा जाता है कि जन्म के समय लड़की का बाल लड़कों से अधिक लंबाई लड़के लंबाई में लड़की अपेक्षा लड़कियों से अधिक तो होते हैं। जन्म के समय क्या होता है लड़की का बाल होता है वो क्या होता है लड़कों से अधिक होते हैं अधिक होता है जबकि लंबाई वो क्या होते हैं लंबाई लड़कों की अधिक होती है लंबाई लड़कों की अधिक होती है। जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है 5 से 8 पाउंड तक होता है। जन्म के समय शिशु का भार होता है 5 से 8 पाउंड होता है।
जबकि चार माह बाद ये घात कितना होता है 14.14 हो गया। चार माह में ये कितना होता है, चार माह में 14.14 चार माह में 14.14 ऐसे वैसे करते करते ये 8 माह में 18, 12 माह में 21 8 माह में कितना होता है 8 माह में 18 और 12 में 21 पॉइंट होता है। इस प्रकार से शिशुअवस्था की समाप्ति पर बालक का जो पार होता है वो कितना होता है, शिशुअवस्था के अंत में बालक का पार होता है वो अवस्था के अंत में बार होता है वो कितना होता है 40 पॉइंट होता है। और इस प्रकार से जन्म के समय उनकी लंबाई होती है 20 इंच होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है 20 इंच होती है। उसके एक वर्ष के बाद में 27 से 28 इंच होती है और 2 वर्ष के बाद में 31 होती है। उसके अवस्था के अंत में 40 से 42 होती है। जन्म के समय कितनी होती है शिशु की शिशु लंबाई, जन्म के समय 20 एक वर्ष में 27 से 28 एक वर्ष में 27 से 28 इंच, फिर 2 वर्ष में 31 इंच, 2 वर्ष में 31 इंच, 2 वर्ष में 31 इंच और शिशुअवस्था के अंत में होती है 40। इस प्रकार से बालकों की लंबाई और भार के अंतर्गत में शिशुअवस्था का विकास होता है, जिसके अंतर्गत प्रकार से जानकारी है वो आपको इस प्रकार सुनी गई है। शिशुअवस्था में विकास लंबाई और भार में वृद्धि समय के अनुसार होती रहती है। फिर नेक्स्ट है हड्डियां। नेक्स्ट क्या है, दूसरे नंबर पर आते हैं हड्डी। मानव शरीर के अंदर कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या जन्म के समय शिशु के अंतर्गत हड्डियां कैसे मुलायम और लचीली होती है और इन छोटी छोटी हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है जन्म के समय कितनी होती है 270 होती है। इन हड्डियों की संख्या कितनी होती है 270 होती है। जब शिशु को फॉस्फोरस कैल्शियम खनिज पदार्थ से युक्त भोजन दिया जाता है तब ये हड्डियाँ क्या हो जाती है मजबूत हो जाती है। कैल्शियम फॉस्फोरस से हड्डियाँ वो क्या होती है मजबूत होती है और उस प्रकार से उसको पदार्थ दिया जाता है और उसकी जो लचीली और मोबल हड्डियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है मजबूत हो जाती है, जिससे वे आपस में जुड़ने लगती है और धीरे धीरे शिशु का उसके अंगों पर नियंत्रण हो जाता है और बाल नियंत्रण हो जाता है जिससे वो चलने फिरने लगता है और उसकी हड्डियाँ हैं वो क्या हो जाती है मुलायम हड्डियाँ हैं वो मजबूत होकर एक हो जाती है और इस प्रकार से उसके अंगों का विकास होता है और वो अपने ऊपर अंगों के ऊपर नियंत्रण रखते हुए चलना फिरना चलता है। इसके बाद में बालिका की अपेक्षा बालकों की हड्डियों में तीव्र विकास होता है। बालक की अपेक्षा जब बालिका होती है उनकी हड्डियों में क्या होता है तीव्र विकास होता है। फिर नेक्स्ट है शरीर एवं मस्तिष्क। नेक्स्ट क्या है सिर एवं मस्तिष्क। सिर एवं दिमाग, सिर एवं मस्तिष्क इसका मतलब है सिर और दिमाग। नवजात शिशु के सिर का अनुपात शरीर की लंबाई के अपेक्षा छोटा ही होता है। सिर का अनुपात वो उसकी लंबाई से एक छोटा ही होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है 350 ग्राम होता है। यह भार 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है और 6 वर्ष में 1260 ग्राम होता है। इस प्रकार से जन्म के समय तो मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है। उसके बाद में जैसे ही अगर शिशु 2 वर्ष की आयु में आता है तो उसका भार है क्या हो जाता है 350 से दुगुना हो जाता है। तो
शिक्षा के अंतिम वर्ष में आता है तो उसका भार है कितने हो जाते हैं, 12 से 60 का हो जाता है। जन्म के समय शरीर सिर शरीर का कितना होता है, सिर शरीर का 1/4 चौथे भाग। बहुत बहुत धन्यवाद।